धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में महिला दस्ता भी तैनात रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पहली बार कुंभ मेले में महिला कमांडो दस्ते का गठन करने का विचार किया है। उत्तराखंड पुलिस की अलग अलग इकाइयों से चुनिंदा कांस्टेबल से लेकर महिला सब इंस्पेक्टर तक 22 सदस्यों की टीम इस दस्ते में शामिल रहेगी, जिन्हें कुंभ मेला को लेकर टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बार महाकुंभ 1 महीने का होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में महिला कमांडो दस्ते की तैनाती अब की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 और 24 फरवरी के तहत गठित की गई पहली महिला कमांडो दस्ते को हरी झंडी देंगे। ये महिला कमांडो दस्ता जहां सुरक्षा को पुख्ता करेगा ही, वहीं राज्य में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अशोक कुमार ने कहा कि सीएम के दिशा निर्देशों पर पहली बार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में महिला कमांडो दस्ते को नरेंद्र सिंह नगर सेंटर में तैयार किया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा मकसद उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ने के साथ साथ राज्य के महत्वपूर्ण आयोजनों में महिला कमांडो फोर्स को आगे लाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उत्तराखंड पुलिस में जो हमारी एंटी टेरर स्क्वाड है ATS, उसमें एक महिला कमांडो का दस्ता भी तैयार कराया जा रहा है और इसकी ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेंद्र नगर में कराई जा रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। महिला कमांडो दस्ते का गठन किया गया है। 22 फरवरी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसे हरी झंडी देंगे। प्रशिक्षित किया जा रहा है कांस्टेबल से लेकर कुछ चुनिंदा सब इंस्पेक्टर जो महिलाएं हैं उनको चुना गया है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुंभ मेले में पहली बार महिला कमांडो दस्ता भी इस द्वारा दिखाई देगा। महाकुंभ की तैयारियां जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से जोरों से तो महिला कमांडो दस्ते का गठन किया गया है और प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे महाकुंभ की जो तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ महिला कमांडो को तैयार किया जा रहा है जिससे उनकी तैनाती जल्द से जल्द की जा सके और महाकुंभ में इस बार न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का यहां पर बोलबाला आपको दिखाई देगा बल्कि कुंभ मेले में महिला दस्ता की तैनाती भी होगी। महिला कमांडो को प्रशिक्षित किया जा रहा है, दस्ता तैयार किया गया है और प्रशिक्षण के बाद उन्हें हरी झंडी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दिखाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है इस बार महाकुंभ में महिलाओं को यहां पर तैनात किए जाने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण इस बार महाकुंभ में भी दिखाई देने वाला है।